स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूँ आज मंडे के दिन आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस सीरीज का नया एपिसोड, जहाँ पर आप लोगों के ही ओनरशिप रिव्यू या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ पब्लिक के साथ, जो कि आप मुझे लिखकर भेजते हो और वही मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसी तरह से अगर आप भी किसी पर्टिकुलर व्हीकल के ओनर हो तो आप भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो, इसी तरह से मैं बाकी पब्लिक के साथ भी उसे शेयर करूंगा। इसका यही एक मकसद है कि आपके साथ हो रहे एक्सपीरियंस दूसरों के साथ जब शेयर होते हैं तो उनको पर्टिकुलर उसी गाड़ी को बाय करने की हेल्प हो जाती है, उनको गाइड मिल जाता है क्या प्रोज है क्या कौन से, कई सारी चीजें पता चल जाती है। बढ़ते हैं पहली एक्सपीरियंस की ओर जो हमें भेजा है गणेश आर एन वी जो इनका नाम है, नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई तो माफ कर देना गणेश जी। इन्होंने लिखा है, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू सर। आई हैव पल्सर 150 2003 मॉडल। आई परचेज दिस बाइक फ्रॉम सम रिलेटिव ऑन 2015 फॉर 10K, 10,000 में खरीदी थी इन्होंने वेरी गुड। दिस बाइक गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस इवन लेटेस्ट बाइक वुड नेवर गिव। बिल्ड क्वालिटी एंड राइडिंग कम्फर्ट इज एक्सलेंट, बट इन लास्ट मंथ द किक इन स्लीपिंग। मैकेनिक ओपन द फुल इंजिन एंड सेड देयर इज नो इश्यू इन दिस इंजिन, किक इज स्लीप कीप स्लीपिंग रिप्लेस्ड एंड किक शिफ्ट अल्सो रिप्लेस, बट कांट फाइंड एनी सोल्यूशन। प्लीज सजेस्ट मी हाउ टू ब्रिंग इट ऑन रोड, थैंक यू। एंड आई एम 90 kgs ऑफ 5.11 feet, सॉरी हाँ जो भी है फिट इंचेस 5.11 inches फिट जो भी हाइट है, विच इज बेस्ट बाइक फॉर मी टू कम्यूट अप्रॉक्सीमेटली 80 km पर डे फॉर वर्क पर्पज इन सिटी एंड हाईवे। स्टार सिटी शाइन क्लाइमर कम्फर्ट इज नेसेसरी। आई कांट अफोर्ड 150 cc बाइक, बिगनर फॉर लेटेस्ट पल्सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा है, पूरी एक लंबी महाभारत इन्होंने लिख करके भेजी है जिसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने पढ़ तो लिया लेकिन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। इन्होंने 2003 में 150 cc की जो पल्सर है पहले का मॉडल था वो 2015 में 10,000 में खरीदी थी। 2003 की गाड़ी 2015 में खरीदी थी और अभी भी वो अच्छे से चल रही है। बीच में किक का इश्यू हो गया था, किक कहीं ना कहीं स्लिप हो रही थी इनकी, तो वो इश्यू था। वैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इन्होंने आगे भी उनका सवाल पूछा है जिसका भी मैं जवाब दूंगा। पहले तो ये जान लेते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। तो गणेश जी ने हमारे साथ बताया है, शेयर किया हुआ है पल्सर का एक्सपीरियंस, 2003 का मॉडल था। तो उन्होंने गाड़ी ली थी, काफ़ी अच्छी चली, सस्टेन भी अच्छे से कर रही है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छे से दे रहा है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा इनको मिल रहा है इस गाड़ी का। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया वो है इसके किक का, क्योंकि किक स्लिप हो रहा है। स्लिप इट मीन्स क्या होता है कि आपने किक मारा तो जो गियर बॉक्स को जिस तरह से शिफ्ट करना चाहिए, यू नो घुमाना चाहिए, वो वाला चीज़ यहाँ पे शायद नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट किक नीचे जा रही है, जैसे कि आपने क्लच दबा दिया और किक आप यू नो घुमाते हो तो डायरेक्ट जाती है, तो उस तरह से कुछ हो रहा है इनके साथ। इन्होंने मैकेनिक को दिखाया, कुछ चेंज कराया, तो वो चीज़ें थी। अब इन्होंने अगला सवाल पूछ लिया इसी में और ये कहते हैं कि मेरे लिए स्टार सिटी अच्छी है, शाइन अच्छी है, ग्लैमर अच्छी है, तीनों में से कौन सी अच्छी है। तीनों की अपनी अपनी कुछ खासियतें हैं। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये सवाल मैं संडे कमेंट बॉक्स में लेने वाला था लेकिन ये दोनों मिक्स कर दिया आपने, संडे वाला सवाल भी मंडे को पूछ लिया और मंडे वाली चीज़ भी मंडे को ही डाल दी। खैर बताने का काम है मेरा, मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ग्लैमर के साथ जा सकते हो। शाइन और स्टार सिटी जो ये दो गाड़ियाँ हैं इनकी अपनी अपनी कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, सेम ग्लैमर का भी है, तो आपके पर्पज़ के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ज़्यादा माइलेज चाहिए तो स्टार सिटी प्लस आप ले सकते हो, और अगर एक रोड अच्छी ग्रिप जो होती है, रोड स्टेबिलिटी वो अच्छी चाहिए तो ग्लैमर ले सकते हो। वही आपको दोनों चीज़ें कॉम्बाइन चाहिए, आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाते हो, हल्का फुल्का यूज़ होता है आपका कभी कभार 30-35 किलोमीटर जो है, आप लंबी राइड आपकी हो जाती है कभी 50-100 किलोमीटर की, तो आप शाइन ले सकते हो। तो तीनों की अपनी अपनी खूबियाँ है, तीनों का एक्सपीरियंस जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो कंपेरिजन है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला जो कमेंट हमारे साथ शेयर किया है, जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है वो है टार्जन कटोच, और ये लिखते हैं, मेरे पास एक्टिवा 5G है, 14,000 चला ली है। अब इन्होंने प्रोज भी लिखे हैं, कॉन्स भी लिखे हैं, मैं पहले पढ़ लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला जो प्रोज इन्होंने लिखा है, हेडलाइट मस्त है, वेरी गुड, टॉक अच्छी है, वेरी गुड, इंजन काफ़ी स्मूथ है, ये तो है ही है, मेरे को ये सूट करती है, हाँ ये बढ़िया है। तो आगे कॉन्स भी इन्होंने लिखा है, मैं बता देता हूँ, सस्पेंशंस दोनों बेकार है और अगले सस्पेंशंस आवाज़ करने लगते हैं, पूरे बुश ग्रीस करना पड़ते हैं उनके, ओके
समझ गया मैं, बताऊंगा आपको। 40-45 किलोमीटर पर हवर के बीच वाइब्रेशन फील होती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और आवाज़ भी आती है। जब इंजन ठंडा होता है तक टक 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 आवाज करता है। ओके, तो टार्जन कटोच जी जो आपका एक्सपीरियंस है वो उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और वो 5G के बारे में बताना चाहते हैं। 14,000 किलोमीटर अब तक चल चुकी है। हेडलाइट इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, डार्क नाइट में भी आपको अच्छे से अच्छा रास्ता दिखा देता है। इनके जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक टॉक इसका अच्छा है। जी हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, इसका टॉक वाकई ही अच्छा है। इंजन काफ़ी स्मूथ है, आफ्टर ऑल होंडा है, इंजन स्मूथ होने ही वाले हैं और ये इनको सूट भी करती है, तो ये बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि आपने आपके अकॉर्डिंग इसे चूज़ करा है तो आपको सूट करेगी ही। सस्पेंशंस के बारे में तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा सस्पेंशन इस गाड़ी के इतने अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट जो पहले आया करते थे BS4 अब 4G और 5G के, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको इतने ज्यादा अच्छे सस्पेंशन नहीं मिला करते थे। अब तो चलो थोड़े अपग्रेडेड भी हो गए हैं, 45-50 का माइलेज मिलता है, इतना तो आपको मिलना ही है, काफी अच्छी चीज है। वैसे कुछ लोगों को 35-40 का मिलता है, लेकिन फिर भी आपको 45-50 के बीच में मिल रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग। काफी अच्छे से अपने गाड़ी को मेंटेन रखा है और जब इंजन ठंडा होता है तो टक 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 करके आवाज आती है। अब ये आवाज क्यों आती है ये मैं भी आज तक नहीं समझ पाया, और ये चुनिंदा गाड़ियों में आता है, सभी में नहीं आता है, कुछ कुछ गाड़ियों में ही इसे पाया गया है। और ये टिक 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 होता है, टक 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 नहीं होता है, तो आपने आय लगाना भूल गए आप। तो ये चीज है, इसका मेरे को भी किसी दिन पता चल जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ भी इसका जो है एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। वैसे भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी ओनरशिप रिव्यू अपलोडेड है इस पर्टिकुलर गाड़ी का, तो आप इसे देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है महिंद्रा घाटे। आई हैव हीरो होंडा पैशन प्रो May 2021 मॉडल, 2011 का हीरो होंडा का पैशन प्रो इनके पास है। आई हैव कंप्लीट 80,000 किलोमीटर, ओनली ब्लॉक एंड पिस्टन इज चेंज इन लास्ट मंथ। पिछले महीने इन्होंने जो ब्लॉक पिस्टन है वो चेंज कराया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्टील क्लच प्लेट आर ओरिजिनल एंड आई एम गेटिंग 50 किलोमीटर पर लीटर एवरेज, वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। ये जो पहले हीरो और होंडा का मिलन होकर के जो गाड़ियाँ निकल कर आती थी वाकई लाजवाब थी। होंडा जब से हीरो को छोड़ के चला गया तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है और उसी वजह से आज भी वो उभर नहीं पाया है। और कुछ हद तक उसकी गाड़ियाँ 100cc 110cc सेगमेंट में तो आज भी किंग है हीरो, इसकी बराबर का कोई नहीं, टक्कर कोई नहीं दे सकता। वो चीज़ है, आ रही है मार्केट में, उसके कॉम्पिटिटर्स भी धीरे धीरे, जैसे रेडियन आ गई है स्प्लेंडर के मुकाबले, जो गाड़ी है कहीं ना कहीं उसको अच्छे से बीट कर रही है, रोंद कर चल रही है, वो कई सारी चीज़ें होती हैं, ये किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि इन्होंने महिंद्रा घाटे जी ने जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया हुआ है, तो देखो हीरो और होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ थी दोनों के मिला करके जो बनाई हुई थी काफ़ी अच्छी थी। इंजन टेक्नोलॉजी होंडा की हुआ करती थी और मैन्युफैक्चरिंग हीरो की हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं दोनों का मिला जुला करके ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तब की गाड़ियों को अब की गाड़ियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो जी हाँ, आपकी ये गाड़ी मैं मानता हूँ आपने जैसे बताया है वैसा एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको मिल ही रहा होगा। अब यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड जिसका नाम है आपकी बात आस्क ऑटोगुरु के साथ। अगर आप भी करना चाहते हो आपकी बात आस्क ऑटोगुरु के साथ, और आस्क ऑटोगुरु करेगा आपके साथ, यानी कि आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ, आपके पास जो भी गाड़ी है, जो भी कार है, व्हीकल है, बाइक है, कार है, जो भी है, आप उसके रिलेटेड आपके साथ फील हो रहे जो भी एक्सपीरियंस है, प्रोज क्या है, कौनस क्या है, उसके साथ कितने किलोमीटर के बाद उसका क्या, जो भी है चीजें आपने खराब हुई अच्छी हुई सारी चीजें आप मुझे लिख करके भेज सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ट्विटर फेसबुक की लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके आपके सवाल भी पूछ सकते हो और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इसका पर्पज यही है भाइयों कि कोई अगर बंदा कंफ्यूज है, वो मार्केट में गाड़ी लेने जा रहा है, मेहनत की कमाई होती है और ऐसे गलत जगह पे ना लग जाए, यही हमारी कोशिश है, तो बस उसकी आपकी कमेंट की वजह से हेल्प हो जाए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। कल का संडे कमेंट बॉक्स अगर नहीं देखा है तो यहां पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, यहां कोने में, आप उसे देख लेना। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।